अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टोयोटा प्रियस के बारे में और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जापान ऑक्शन से लेकर पाकिस्तान तक क्या कॉस्टिंग आ सकती है। एक बाइक की फरमाइश थी कि इसमें आप चेक करें कि हमें सस्ती कौन सी गाड़ी इसमें पड़ सकती है। आजकल बजट के बाद जो ड्यूटीज़ बढ़ी हैं, तो उसके बाद हमारे पास अभी आजकल क्या कॉस्टिंग आ रही है, तो इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये सेल्स स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ मैं, 3 महीनों के रिकॉर्ड में रिसेंटली जो गाड़ियाँ बिकी हैं उसमें चेक करेंगे। अगर आपने भी इंपोर्ट करनी है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं 0333-9366-392 पे मुझसे बात कर सकते हैं। मुजम्मिल मेरा नाम है, एज जो है रिप्रेजेंटेटिव और शिंचू के लिए मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर किसी को VIP ID पासवर्ड चाहिए, बिडिंग उन्होंने खुद करनी है, कोई भाई जो है इंटरेस्टेड है काम करने में, तो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। उनके लिए ID बनाना जो है हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, यहाँ पे प्रियस में आते हैं जी, और यहाँ पे मैं जाता हूँ 2021 मॉडल अभी लास्ट जो है हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे नीचे गाड़ी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है ड्यूटीज़ में इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। 21 मॉडल अभी तकरीबन ये आपके पास मैक्सिमम ये कोई महीना डेढ़ महीने का टाइम बाकी है जो भाई आज़ाद इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है 21 पे बिडिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसकी लोडिंग पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। साल के आखिर में माल काफ़ी ज़्यादा होता है, कंटेनर पर शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और अभी ये चेक करते हैं जी। तो इसमें यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इसमें बेस वेरिएंट S आता है और S से सस्ती कोई गाड़ी इसमें नहीं आती। फिर इसके बाद S सेफ्टी आ जाता है, SFT+2, S टूरिंग, इसके बाद फिर A आ जाता है, A प्रीमियम आ जाता है, A प्रीमियम टूरिंग सिलेक्शन आ जाता है। तो मुख्तलिफ वेरियंट्स इसमें आते हैं, तो कोशिश करेंगे जो जो गाड़ियाँ अच्छी हैं उस पर हम बात करें, सस्ती की तरफ भी जाएंगे। सस्ती का तो ये है कि आप गाड़ी कंडीशन अच्छी चाहिए आपको, तो फिर आप ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी सिलेक्ट करेंगी, उसी सूरत में आपको जो है गाड़ी सस्ती मिलेगी। अच्छा, बजट के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ड्यूटीज़ बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, तो जो है जापान की जो प्राइसिंग है वो कम होगी, बिडिंग अच्छे रेट में होगी, लो प्राइस में गाड़ी उठेंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप चेक करें, लास्ट जो मैंने प्रियस गाड़ी उठाई थी 18,65,000 में, SFT+2 35,000 चली थी 4.5 ग्रेड की पर वाट किलर में। तो आजकल अगर आप रेट देखें तो वही बहुत ऊपर जा रही हैं रेट्स। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, ये तौर से रेट में कम है, लेकिन ये कंफर्म करना पड़ेगा कि 21 मॉडल या 20 मॉडल आपने जो भाई हजरात बिडिंग करते हैं, तो इसमें आप ये चेक कर लिया करें कि 21 तोले का है, लेकिन चेसिस डाल के ओलिया की वेबसाइट पे या इधर ही अगर इसमें आपको शो होता है, कभी कभार शो होता है, इधर कभी नहीं शो होता, तो यहाँ पे चेक कर लिया करें कि भाई वाकई में ये 21 मॉडल तो नहीं, 21 मॉडल है, ऐसा ना 20 ना निकले। अच्छा जी, ये है 3.5 ग्रेड की गाड़ी। अगर कोई भाई कहता है कि भाई मुझे बस नाम की प्रियस चाहिए, इंजन बड़ा चाहिए, कम्फर्टेबल गाड़ी हो, ड्राइव स्मूथ हो, तो बेस वेरियंट हो भले, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें टचिंग नहीं है, W1 है, वो इतना इशू नहीं है। मैक्सिमम जो है 10% 15% चांसेस होते हैं इस स्प्रे के, बाकी W2 कंफर्म जो है आपकी टचिंग के ज़ुमरे में आता है। अच्छा जी, ये गाड़ी है, अच्छी है और चली भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 50,000 चली है, 619 तकरीबन जितना यहाँ तक मुझे याद है 619 में। मैक्सिमम जो है 21 मॉडल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें जब आप डालते हैं तो 20 मॉडल की गाड़ी निकल आती है। तो चलिए, जब तक ये खुलता है, अच्छा जी 21 मॉडल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिड प्राइस थोड़ा सा जो है फ़र्क अगर आया हुआ, तो जो मसला चल रहा है यहाँ पे येन के रेट का, तो येन बहुत ऊपर चला गया, 14,57,000 ब्रिटिश का 2.5 लाख तक होगा, क्योंकि कांटो से है। अच्छा जी, 2.5 लाख कर दें मल्टीप्लाई 2.04 TT का रेट चल रहा है, तो 34,82,000 जो है आपने जापान भिजवा दिए। एजेंट साहब का जो है वो खोलते हैं, शीट खोलते हैं उनकी ड्यूटी की, साथ में मैं ड्यूटीज़ भी सारी एक ही उसमें बता देता हूँ, जो भाई लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। प्रियस शीट खोलते हैं जी और 21 मॉडल में आते हैं। इसमें असल में एक टिकली होती है, जो दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पे फुटपेट के ऊपर का एरिया सीट के साथ ही करीब करीब जहाँ पे हुक होता है, जो दरवाज़ा जो लॉक हुक करने का जो एरिया होता है, तो वहाँ पर उससे आप नोट करेंगे कि भाई ये ZVW 51 तो है, लेकिन AHXE भी है, AXEBD है, T है, तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग डेट के जो महीने हैं, तो उस हिसाब से ड्यूटी में 1,50,000 रुपये का फिर फ़र्क आता है। अच्छा जी, ये अभी पैकेज है S वेरिएंट है, और इसकी जो ड्यूटी है 1,93 के हिसाब से रेट बहुत ऊपर चला गया है, मतलब अभी 2-3 पीस और भी ऊपर, लेकिन चले हम ये पुराना ही ले लेते हैं। तो ड्यूटी हमारे पास आ रही है एस की जो है ये 62,08,000 रुपये, ठीक है, 62,08,000 21 मॉडल की, तो 62 लाख ही लगा लें, ठीक है, प्लस
160 अदर एक्सपेंस के डाल दें प्लस इसके बाद जो है PRC आपको 62 लाख रुपए की 5.5 लाख के लगभग मिल सकती है। तो 1,03,92,000 की आपको ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा रेट ज़्यादा है। अच्छा जी, प्यारी गाड़ी है, 72,000 चलिए ए है, और ए प्रीमियम नहीं है, ए है की है खाली, और कन्फर्म 21 है क्योंकि 620 है, कंडीशन अच्छी है, 72,000 चली है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन चले, मार्केट में सेल आउट हो जाती है। इंटीरियर मुझे इसका या तो वाइट लग रहा है लेकिन या तो इसकी रिफ्लेक्शन है लाइट की। चले ये 16,40,000 जमा 250 मल्टीप्लाई 2.04 कर दें। इसके बाद ड्यूटी आती है, तो ड्यूटी इसकी जो है ये पैकेज जो है ए है, तो ए की जो ड्यूटी है यहाँ पे 21 मॉडल की 67,77,000, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, 67,77,000 जमा 160 कर दें। अदर एक्सप्रेस कराची का 67,00,000, PRC 5.5 ही लगा लें फिलहाल, 1,13,00,000 रुपए, जो कि बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जी, ये प्यारी गाड़ी है, 4 ग्रेड की है, 21,20,000, जो कि बहुत ही महंगी है। वजह क्या है इसका, खाली अलॉय व्हील्स की वजह से ऊपर गई है। 22 मॉडल है, लेकिन 22 मॉडल की भी चलिए चेक कर लेते हैं, ड्यूटीज भी साथ में आपको आइडिया हो जाएगा। 21,20 जमा 250 मल्टीप्लाई 2.04, 21 मॉडल की एस टूरिंग है मेरे ख्याल से। एक मिनट ये मैं साइड पे कर दूँ, बहुत ही गलत जगह पे कैलकुलेटर आ जाता है। एस सेफ्टी प्लस 2 है ये, तो एस सेफ्टी प्लस 2 22 मॉडल की जो ड्यूटी है जी 77,21,000, बहुत ही ज़्यादा, 77,00,000 इतने में तो पहले की पड़ जाती है बजट के से पहले 77,21,000 जमा 160 जमा 72 की 6,00,000 लगा दें जी, तो 1,33,00,000 की आपको ये वाली सिंपल गाड़ी पड़ रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा जी, ये गाड़ी है 21 मॉडल है, 23,000 चली है, और 19,97,000 में गई है, 1 पीस टच है, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये है एस टूरिंग, तो ये मैं कर लेता हूँ 1997 जमा 250 काउंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2.04 कर दें, 45,30,000 जापान चले गए। इसके बाद इस टूरिंग की जो ड्यूटी है, तो इस टूरिंग सिलेक्शन की ड्यूटी है जी 67,59,000 जी, 67,59, ठीक है, प्लस 160 जमा 85 कर दें, 1,21,00,000 की ये वाली गाड़ी कॉस्ट कर रही है। अच्छा जी, इस पे आते हैं, एस फोर व्हील ड्राइव है, तो यार इसको हम छोड़ देते हैं, इतनी अच्छी नहीं है, फोर व्हील ड्राइव से दूर रहें जी। अच्छा जी, ये 19,000 चली है, 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, 22,54,000, ए टूरिंग सिलेक्शन है, लोडेड वेरिएंट है, इससे भी एक लोडेड वेरिएंट आता है, ए प्रीमियम टूरिंग सिलेक्शन। तो इस पे चेक करते हैं, इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही नीट और लेदर का जो है इसमें टोटल कुछ नहीं हुई होती है, तो रेट ज़्यादा है लेकिन चलिए कर लेते हैं, 22,54 जमा 250 चेक के, ये जो फुकू का है इसका 20,000 एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्योंकि कह जा सकता है इसमें दूर का इलाका है। 2.04 51,48,000 आपने जापान भिजवा दिए, तो अब ये जो ए टूरिंग सिलेक्शन की जो ड्यूटी है, तो इसकी ड्यूटी है जी 71,50,000, 71,50,000 रुपये ड्यूटी है, जमा 160 करें, 10 महीने ऐड कर दी चलें, और 71 ये 6,00,000 PRC ऐड कर दें, 1,30,58,000 की वाली कॉस्ट कर रही है। ये गाड़ी मैं खोल रहा था, बहुत ही खूबसूरत है, कंडीशन बड़ी रफ है, एक्सटीरियर का ई है, इंटीरियर का डी है, ये लेकिन ये चालाकी चेक करें, जो कंपनी है जो कि बेचने वाला है, अलॉय व्हील्स इसको बहुत ही खूबसूरत डाल दिए हैं फ्रंट में, एक शीट डाल के अट्रैक्ट करने के लिए, बिडर्स पे बिड ज़्यादा डाले, लेकिन कंडीशन इसकी इतनी अच्छी नहीं है। 22 मॉडल है, 14,68,000 की गई है, आर ए ग्रेड की है, 1 पीस जो है इसका रिप्लेस है, बकाया स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, जो कि वाजे होंगे बिल्कुल दूर से भी, तो चलो कर लेते हैं इसकी, 14,68,000 की गई है, प्लस ये चूबू ठीक है, 250 मल्टीप्लाई 2.04 कर दें, 35,04,000, और इसके बाद जो है जी इसका मैं चेक कर लेता हूँ ड्यूटी, 22 मॉडल की एस सेफ्टी प्लस 2, 22 मॉडल एस सेफ्टी प्लस 2, 77,21,000 ड्यूटी, 77,21 जमा 160 जमा 6,00,000, तो 1,19,85,000 की ये वाली रफ कंडीशन की गाड़ी आपको मिलेगी। अच्छा जी, ये तो आज की बिडिंग के लिए जो गाड़ी है, अच्छा इस गाड़ी का मैं वैसे कर लेता हूँ न्यू शेप, अभी कोल लिए तो चलो मैं कर लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आउट है ये भी, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 21 कर दें, ये 23 कर, 23 में नया शेप स्टार्ट हुआ था, 2000 सीसी तो बिल्कुल बात ही ना करें,
सिर्फ और सिर्फ 1800 सीसी की करेंगे। एक्सपीरियंट है 22,000 चलिए। आर ग्रेड है, ये वाली यू है, यू भी मैं देख लेता हूँ अगर ड्यूटी हमारे पास हुई। और यू यू जेड वेरिएंट महंगा है, इसको छोड़ देते हैं। और जेड जेड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ, सोल्ड पे क्लिक कर लेता हूँ, सर्च पे क्लिक कर दें। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एक्स हमारे सामने आए, इसमें तो ज़्यादा यू नहीं है लेकिन चलो कर लेते हैं। ये एक्स है बेस वेरियंट इसका, और रिप्लेसमेंट भी नहीं है, टचिंग भी नहीं है, कोई अंदर का काम हुआ होगा इसमें। बहरहाल अच्छा जी, ये ऑक्शन शीट इसकी गलत है, आर ग्रेड की गाड़ी है असल में, इस वाली गाड़ी का जो WXB है, सॉरी ये XU गाड़ी है फील्डर, इसकी जो है शीट है। इसको छोड़ देते हैं जी, रेट ठीक नहीं है। ये यू पैकेज है, थोड़ा सा लोडेड है एक्स से, और 1800 ये दो ही वेरियंट्स आते हैं इसमें अब। और गाड़ी अच्छी है, साफ भी है, 5 ग्रेड की है। तो ये इस तरह कर देते हैं, 25,90,000 तकरीबन गई है, ये मैं हटा दूँ, प्लस 250 कर दें ठीक है, मल्टीप्लाई 2.04 कर दें, 57,91,000 आपने जापान भिजवा दिए। मस्त है, इसकी ड्यूटी क्या है जापान में, प्राइस इसकी प्रीस के जो अच्छे वेरियंट्स हैं उसके साथ ही मैचिंग है। अच्छा जी, जेड वेरियंट, अच्छा यू मैक्स मिसिंग है, और सिर्फ एक्स और जेड और जी की दी गई है। तो चलो हम जी की डाल देते हैं। तो एक्स की जो ड्यूटी है 86,86,000 है, और जेड वेरिएंट की जो ड्यूटी है तो वो 1,15,00,000 है, और जी वेरिएंट की 1 करोड़ है। तो चलो अगर 1 करोड़ इसमें डाल दें तो 1,57,00,000 हो गया, प्लस ये इसमें 260 अदर एक्सपेंस कराची के डाल दें ठीक है, 170 डाल दें अदर एक्सपेंस प्लस, और इसके अलावा PRC 1 करोड़ की आपको यही कोई मिलेगी 7-8 लाख रुपए के लगभग, तो 7.5 लाख उसके डाल दें, तो 1,67,11,000 की आपको ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी, यू की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कांडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।